मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों को सीएम हाउस में नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जिन हजारों शिक्षकों की नियुक्ति हुई उन्हें एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने पिछले 10 से 15 साल के जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि जिन लोगों ने आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डाला उनमें आपकी माता और आपके शिक्षक जरूर है। जिस तरह से आपके शिक्षक आपके हृदय में है वैसे ही आपको अपने विद्यार्थियों के दिल में जगह बनानी है। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। 22,400 से ज्यादा युवाओं की शिक्षक के पद पर भर्ती हुई। आज अनेक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मिले। कुल नई भर्तियों में से आधे शिक्षक आदिवासी इलाके में भर्ती होंगे। खुशी है कि एमपी सरकार ने इस साल 1,00,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इसी प्रयास से एमपी ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में बड़ी छलांग लगाई। एमपी का स्थान 17 से 5 नंबर पर पहुंच गया है। मुझे खुशी है कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1,00,000 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए।